व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है सभी, आप देख रहे हैं जिम फिटनेस। काफ़ी अर्से के बाद वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि एक तो रूटीन बड़ी हेक्टिक है, और सेकेंडली कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जो मैं चला रहा था। लेकिन आज फिर अपने दोस्तों के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए, अपने जो मेरी एक फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, या सोशल मीडिया जितनी भी लोग जो ये देखते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर कहीं भी देखते हैं, उन सब के लिए एक और प्रोडक्ट का रिव्यू मैं लेके आया हूँ। जो एक प्रोडक्ट है, काफ़ी पाकिस्तान इंडिया में काफ़ी फेमस है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में इसलिए फेंके थे क्योंकि पाकिस्तान में जैसे जैसे चीज़ें महंगी होती जा रही है, जो वेल नोन कंपनीज़ हैं, जैसे ऑप्टिमम न्यूट्रिशन होगी, मसल टेक होगी, डर्मेटाइज होगी, इनकी शॉर्टेज भी एक हो रही है। सेकेंडली शॉर्टेज के साथ साथ ये लोग प्रोडक्ट महंगे भी होते जा रहे हैं। तो मोस्टली पाकिस्तान इंडिया में, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान में जो प्रोडक्ट जो मिलता है वो दुबई से होकर मिलता है, यानी दुबई के जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जो छोटी सी कंपनी है, जो टीयर टू की जो कंपनी है, उनको उठाना शुरू कर दिया फिर दुनिया में से, और वो प्रोडक्ट उनके भी अच्छे थे, वो प्रोडक्ट उन्होंने बेचने शुरू कर दिए। आजकल जैसे केविन लिवलॉन का बहुत फेमस हो गया था इंडिया पाकिस्तान में, उसके बाद एक और जो प्रोडक्ट बहुत जो कंपनी है वो आजकल काफ़ी लाइमलाइट में है, वो है कोर चैम्प की। ये कोर चैम्प है, ये उन्होंने एक बुलडॉग की शक्ल बनाई हुई, उसके दरमियान नीचे कोर चैम्प लिखा हुआ है। इनके काफ़ी प्रोडक्ट हैं, इनके प्रोटीन्स हैं, आइसोलेटेड प्रोटीन्स हैं, वे प्रोटीन्स हैं, आपके प्री वर्कआउट हैं, पोस्ट वर्कआउट हैं, फैट बर्नर भी हैं, विटामिन भी हैं, और ये क्रेटेन वगैरह भी हैं। तो आज इस प्रोडक्ट में मैं रिव्यू कर रहा हूँ वो है क्रेटेन मोनोहाइड्रेट पे, इस पर रिव्यू करेंगे क्या है, कैसा है, कैसा नहीं है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा ये कैसा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, साथ साथ कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं वीडियो कैसी लग रही है, और आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू करवाना चाहिए या आप चाहते हैं उसका रिव्यू करूँ, तो मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। और इस वीडियो के बारे में, अगर मैं वीडियो को इम्प्रूव करना चाहूँ या इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, कोई आपका सजेशन हो तो आप मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं। अब आते हैं पॉइंट पे। ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है, जो वैसे काफ़ी अर्से से 5-7 साल से स्ट्रगल कर रही है, लेकिन ये अभी एक दो तीन सालों से बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया, क्योंकि दुबई के जितने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे जेएनके डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, शार्क न्यूट्रिशन हो गया, ये जो काफ़ी बड़े प्रोडक्ट हैं, काफ़ी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, इन्होंने ये प्रोडक्ट मंगाना शुरू कर दिया। तो जैसे इन्होंने ये प्रोडक्ट मंगाना शुरू किया, तो फिर जब ये सेल्स लगाते हैं, चीज़ें करते हैं, तो पाकिस्तान इंडिया के जितने भी इंपोर्टर हैं, तो उन्होंने ये उठाना शुरू कर दिया। तो ये उठाया, जब लोगों ने ये प्रोडक्ट लिया, तो पाकिस्तान में फिर इसकी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि क्रेटेन मोनोहाइड्रेट हो गया, वे हो गया, इनका ऐड दिया, जो बेस चीज़ होती है वो सेम ही होती है। और बल्कि जो टीयर टू की कंपनीज होती है, जैसे कि स्ट्रगलिंग कंपनीज होती हैं, ये क्या करती हैं, सेकेंडली बहुत ज़्यादा इस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करती हैं, और प्रोडक्ट की जो चीज़ें हैं वो बेहतर करने की कोशिश करती हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी कंपनी है, और इनके अंदर जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, क्वालिटी ऑफ जो ये क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, एक इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, वो काफ़ी बेहतर है। एक जैसे एग्जांपल है, जैसे कोर चैम्प का एक वे प्रोटीन है, उसके अंदर उन्होंने 24 ग्राम प्रोटीन दिया हुआ है, वे प्रोटीन आइसोलेट दिया हुआ है, वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज दिया हुआ है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट दिया हुआ है, लेकिन कोई पेप्टाइड नहीं दिए हुए। जबकि अगर कोई और अगर ब्रांड का आप उठाते हैं वे प्रोटीन, तो उसमें मोस्टली पेप्टाइड लाजमी होते हैं। तो आज जो प्रोडक्ट है ये है जनाब हमारा, ये क्रेटेन मोनोहाइड्रेट करता है क्या, ये इम्प्रूव पावर है, एक्सप्लोसिव एनर्जी है, रैपिड रिकवरी है, आपकी बॉडी में एपीडीज प्रोड्यूस करके आपको एनर्जी परफॉर्म करता है, आपकी बॉडी में मसल बड़ा करने में बड़ी आपकी हेल्प करता है, और आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, आपकी जो ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, आपके जो मसल तक आपके उनको डिहाइड्रेट नहीं होता, उनको वाटर सप्लाई, उनकी ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और ड्यूरिंग वर्कआउट आपको बिल्कुल डाउन नहीं देता, और सेकेंडली आपके एपीडीज प्रोड्यूस करके आपके मसल डिप्लीट होने से बचाता है। तो अगर आप इसका पूरा क्रेटेन मोनोहाइड्रेट क्या करता है, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, बॉडी बिल्डिंग में कितने इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ऊपर एक कार्ट आ रहा होगा, तो आप उस पर आगे क्लिक करेंगे तो आपको उसका पूरा क्रेटेन मोनोहाइड्रेट का किया चटा निकल आएगा। तो इस प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये इसकी पैकिंग है, पैकिंग बड़ी शानदार पैकिंग है, मेरी माँ की इस पर नज़र है कि एक खाली होगा तो मैं चीनी पत्ती पानी बेच। तो इसमें अगर आप खोलते हैं तो इसके अंदर कोर चैम्प एक सील आ रही है, नीचे 5 ग्राम का स्कूप है, टेस्टलेस क्रेटेन मोनोहाइड्रेट है, और ये एक सिंपल सी चीज़ है, कोई इतनी बड़ी पाउडर बूस्ट नहीं है। तो आप इसको जिम से पहले आधा घंटा ले सकते हैं, किसी ड्रिंक में डाल के ले सकते हैं, BCAA में ऐड कर सकते हैं, पोस्ट वर्कआउट में ऐड कर सकते हैं, पूरे दिन में कहीं भी ऐड कर सकते हैं। कई लोग सवाल करते हैं कि लेना ज़रूरी है कि नहीं लेना ज़रूरी, तो टू बी ऑनेस्ट अगर आप सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई जरूरत नहीं है। आप अगर आप डाइट कर रहे हैं, अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वही आपके लिए इनफ है। अगर आप डाइट देखें, डाइट करते हैं, हमारी बॉडी भी जो है वो क्रेटेन प्रोड्यूस करती है 2-5-7 ग्राम के दरमियान, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन किसी बॉडी में कितना वेट है, उस लिहाज से हमारी बॉडी क्रेटेन प्रोड्यूस करती है। सेकेंडली हम कोई इसको प्रोडक्ट से भी लेते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट कह रहे हैं, हमारे जो फिश और जो हमारे नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं, नेचुरल फूड होते हैं, उससे भी लेते हैं, फिश से ले सकते हैं, रेड मीट से हम बहुत ले सकते हैं, हमारा जो मीट है उससे लेते हैं, अंडों से हम ले सकते हैं, तो उसके थ्रू भी हम ये चीज़ ऐड करते हैं, हमारी बॉडी में ही जाती है।
तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बहुत सी चीज़, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप ना लें, आप अच्छा वर्कआउट करें, ब्लैक कॉफ़ी पिए, आप जाकर वर्कआउट करें। तो अगर किसी ने मसल मास गेन करना है, वो कहता है मेरी एंड्योरेंस अच्छी चाहिए और मैं आप चाहता हूँ कि वर्कआउट अच्छा कर सकूँ, मैं ज़्यादा वेट उठा सकूँ, तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लें। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेंगे आप अगर हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, आप कोई स्प्रिंट करते हैं या मैराथन खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप उसमें अगर ऐड करते हैं तो उसमें आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये आपका मसल मास लॉस नहीं देती और आपको देर तक आपको एक रैपिड एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये था आज इसका रिव्यू, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई चीज़ ही नहीं है खोलने वाली ऐसी, और नए प्रोडक्ट की मोस्टली दो नंबर चीज़ें नहीं बनती क्योंकि ये ऐसे इतना वेल नोन ब्रांड नहीं होते तो इस पर कोई कॉपी करता भी नहीं है। तो जब तक ये फिट हिट होते हैं तब तक ये मार्केट से ख़त्म हो जाते हैं। तो यही मसला, जैसे कैमरन ब्राउन है, वो 2-3 साल स्ट्रगल करता रहा पाकिस्तान में, लोग कहते नहीं नया ब्रांड है ये, जब वो फेमस हो गया, जब उसको लोगों को पता लगा अच्छी चीज़ है, अब वो मार्केट में मिलता ही नहीं है। तो ऐसे ही होता है। तो ये थी आज की वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और साथ साथ कमेंट सेक्शन में मुझे लाजिम बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।